गुड मॉर्निंग। अभी लगभग सुबह के बज रहे होंगे, 6 के आसपास शायद, 6 ही बजने वाले हैं। देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। ठंड हो रही है भाई यहाँ तो। ये देखो, ये है बाहर का नजारा, ये अपना टेंट। मस्त भी सनराइज हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ टेंट लगाया। देखो उधर भी गांव है, सामने भी गांव है, छोटी सी लाइट दिख रही होगी। ये देखो, तो हो चुका है हमारा सामान पैक। मुझे अपना सामान पैक करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, टेंट वेंट स्लीपिंग बैग ये सब करने में। और ये देखो इधर के नज़ारे, और चलते हैं। सब पैक हो चुका है, चलते हैं हम फिर से जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। और पता नहीं चढ़ाई करूँ या ना करूँ, इतने सामान के साथ इतना ऊपर तो आ ही गया हूँ, या आगे जाने का प्लान करूं। ये जॉर्ज हाउस जन जॉर्ज म्यूजियम कुछ है, और ये इसकी भी अपनी कुछ कहानी है। पता नहीं यार, कोई मिला नहीं मुझे बताने के लिए वो कहानी बताता वरना मैं। और वो जो ऊपर दिख रहा है ना बिल्कुल टॉप पे, वो जॉर्ज एवरेस्ट की पीक है। मैं सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, देखता हूँ सोचता हूँ। रुक जाओ, ऐसे पहाड़ों में अपना अकेले अकेले चलने का, धीमे धीमे गाने सुनने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पे यार पानी नहीं मिल रहा, मुझे हाथ मुंह धोना है। नीचे जाके सोचता हूँ क्या कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा। अभी चलते हैं नीचे, फिर सोचेंगे वहीं जाके। बात मैंने सोची नहीं, सुबह सुबह का चक्कर ये है कि इतनी सुबह कोई ऊपर जाएगा नहीं, और मुझे 4-5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, वरना तो लिफ्ट मिल जाती, या तो मुझे घड़ी इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर। उधर तो कहते हैं 2-3 दिन के साथ और देने थे ना। हाँ सुनील भाई, गुड मॉर्निंग। तो भैया हमें अपनी गाड़ी में ऊपर तक सांस ले जाएंगे। मैं बोलूं कि क्या है कि ऊपर उस दिन से उसके बाद भाई जो था ना वहाँ गए थे, उत्तरकाशी किधर गया। उत्तरकाशी गंगोत्री साइड यमुनोत्री। तो हाथी पाव से बिरयानी एकेडमी तक की मुझे लिफ्ट दे दी है, वरना मुझे इतना ये पूरी चढ़ाई बैग के साथ पैदल करनी पड़ती। और अभी वहाँ जाके देखेंगे वहाँ से कैसे जाना है। वहाँ से कितनी दूर होगा लाइब्रेरी चौक? लाइब्रेरी चौक फिर भी 2 किलोमीटर देखेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, वरना इतना तो पैदल चल ही लेंगे। तो ये अभी हम बांसी स्टेट में है, जगह का नाम बांसी स्टेट है, और अभी हम मसूरी 2 किलोमीटर के लगभग होगा। और इधर से हिमालयास भी दिख रहे हैं पीछे, और वो हल्का सा दिख रहा होगा शायद पहाड़ों के पीछे। ये देखो नज़ारे, सब विदाउट मनी। वो गाड़ी वाले भाई ने हमें एक शॉर्टकट के पास उतारा है, बता रहे हैं कि 9 मिनट में, 8-10 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे। यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर का है वो वाला रास्ता, ये पता नहीं कितना है। कोई नहीं, नीचे ढलान ही है, वैसे भी धीरे धीरे उतर ही जाएंगे। चलते हैं। और हम
जल्दी से नीचे आ गए इस शॉर्टकट से। देखता हूँ, वरना घर वाले कह रहे हैं यार कि एग्ज़ाम भी है मेरे, तो सोच रहा हूँ वो सब करके फिर दोबारा लिख लूँ। देखते हैं, अभी सोचते हैं। तो अभी मैं आ रहा था, एक अंकल ने मुझे देखा, वो इंटरेस्टेड थे मेरे बारे में जानने में, मैं कैसे करता हूँ और क्या करता हूँ और कैसा रहा मेरा सफ़र। मैंने उनको उसके बारे में बताया, उन्होंने छोटा सा मेरा एक इंटरव्यू लिया और मेरी हेल्प करी। तो ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लाइब्रेरी चौक के पास रुके हैं और इधर पीछे हिमाल रोड है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और सोचेंगे आगे कहाँ निकलना है। मैं सोच रहा हूँ उत्तरकाशी निकल जाऊँ फिर उधर। अभी ढलान है ना, तो अभी मुझे नीचे से पैदल चलने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा बहुत वीडियो वीडियो का जो भी काम है वो करते हुए आराम आराम से पैदल चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। इधर देखो ये रोड पूरी, अभी किसी से लिफ्ट नहीं मांग रहा, मैं थोड़ा आगे जाके मांगूंगा। अभी मुझे मज़ा आ रहा है तो मज़े ले लूँ थोड़े से। पूरे दिन तो थकान होती है, जीभ भी लड़खड़ा जाती है, इतना वजन है। अब मैं सोच रहा हूँ शिमला चले जाऊँ। शिमला यहाँ से 235 किलोमीटर है। फिर एक मन ये भी कह रहा है कि सोच रहा हूँ कहीं देहरादून या फिर ऐसी जगह पे यहीं पे मिल जाए कोई धर्मशाला या गुरुद्वारा जहाँ पे मैं रुक जाऊँ। बाकी देखता हूँ, अगर कुछ जुगाड़ लग पाता है तो डायरेक्ट शिमला ही निकल जाएंगे यार। 235 किलोमीटर है, दो दिन में अगर सही लिफ्ट मिली तो एक दिन में भी कवर हो जाएगा, वरना दो दिन में तो कवर हो ही जाएगा। तो भाई ने हमें क्लॉक टावर के पास से अब यहाँ देहरादून में छोड़ दिया है, और बहुत हेल्प करी भाई ने, बहुत आगे तक छोड़ा हमें। और अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी तो देहरादून में देखते हैं। चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तो भाई ने हमें वहाँ से जोगी वाला तक छोड़ दिया है, और अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शायद हरिद्वार के लिए लिफ्ट मिल जाएगी जल्दी। और वो कौन सी एक रसावना क्या कहते हैं, तो कोई जहाँ से बस स्टैंड है हरिद्वार के लिए, विश्वनाथ पिक्चर है। अच्छा ठीक है, हम आ गए। चलो ठीक है, यहाँ से भी निकल जाना। हाँ ठीक है, ओके ओके। हम मेन हाईवे पे हैं, पीछे वाला रास्ता जो है वो ऋषिकेश की तरफ जाता है, आगे वाला रास्ता जो है वो हरिद्वार की तरफ जाता है। और मैं सोच रहा हूँ मेरे को रहने का कुछ स्टेबल नहीं मिल रहा, इसलिए अब मैं बार बार जॉर्ज एवरेस्ट पे टेंट लगा नहीं दे सकता, इसलिए कुछ टाइम के लिए घर जा रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम दिए मेरे, एग्ज़ाम दे के फिर आएंगे।